हेलो जी, वेलकम बैक। और ये आए हैं जी भाई घर पे, रात को आए थे भाई घर पे, खाना खा रहे हैं भाई। और दुआ मोमना बैठी हैं जी अपने मामू के पास। मैं भी खाना खुना देकर भाई को बैठी थी, और भाई को पसंद नहीं है वीडियो बनवाना तो मैं इसलिए चुपके से बना रही हूँ उनकी वीडियो। ठीक हो गया जी। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती जी आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। सब देखने वाले और सुनने वाले बहन भाई जी जिस शहर से भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला जी उन्हें बाद शाद रखे, हर दुख तकलीफ से जी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। आज मैं क्या करने लगी हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जी हमारा गद्दा, जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो रज़ाइयाँ गद्दे वगैरह निकालना स्टार्ट हो गए। ठीक हो गया जी। और इस गद्दे को हम झाड़ चढ़ाएंगे इसके ऊपर। और जी हम चढ़ाने लगे हैं जी इसके ऊपर, हम जी गद्दे के ऊपर कवर चढ़ाने लगे हैं, तो ये भी शेयर करते हैं आपके साथ। हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। मैंने सोचा क्यों ना अपने बहन भाइयों के साथ हर बात हर रूटीन शेयर करते हैं, और ये भी शेयर करते हैं। ये जी मैंने दोनों हाथों में इसमें डाल लिया, और ये एक हम इधर से पकड़ेंगे। ठीक हो गया। और एक इधर से पकड़ के ये देखिए, ठीक हो गया। ये देखिए जी, ये हमारा चढ़ रहा है जी छाड़। ओके हो गया। ये देखिए, आप लोग क्या समझते कि मुझे सिर्फ ये चरपाई को बंद करने तक तक कर रहा है, सिर्फ मैं खाना वाना ही बनाती हूँ, मुझे ये भी काम आता है जी। और इसे अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसके नीचे चप्पल देते हैं इसके नीचे, क्योंकि चरपाई है जो हिली जा रही बार बार। और ये जी हम झाड़ा चढ़ा लेंगे। ठीक हो गया। इसे ऐसे ही हम मुकम्मल कर लेते हैं। ये देखिए छाड़ा हमारा चढ़ गया। ठीक हो गया। इधर से भी ऐसे ही ठीक कर लेंगे इसे। इसे पकड़ के मैं इधर से करूंगी और फिर इसका जो सिलाई करेंगे हम इसे। ठीक हो गया जी। ये हो गया। अब इसका यहाँ से ना पकड़ के इसका मुंह सिलाई करेंगे। ठीक हो गया। फिर इसके यहाँ यहाँ पर मैं टांके लगाऊंगी ताकि ये हिले ना अंदर से। और ये मैं सुई धागा लेकर आई हूँ धागा डालकर। ठीक है, इसे सिलाई कर लेते हैं सबसे पहले हम। इसे सीना सिलाई कर रहे हैं जी हम, सिलाई कर रहे हैं इसे। ये देखिए, ठीक हो गया। ऐसे ही हम इसे पूरा सिलाई कर लेते हैं। फिर इसे हम लगा लेते हैं टांके। ठीक है,
और जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो मेरे बहन भाइयों तक लाजमी पहुंच सके। ठीक हो गया जी, इसे मुकम्मल करते हैं, बाद में बाकी की बातें शेयर करते हैं। वेलकम बैक जी, मैं बना रही हूँ इधर दोपहर का खाना, मज़ेदार सा अंडे बनाए मैंने। और ये देखिए जी, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ अंडे। इश्फाक लेकर आए जी बच्चों को स्कूल से और बच्चे खा रहे हैं जी खाना। चलते हैं जी अंदर देखते हैं। ये मोमो डार्लिंग क्या कर रही है? हाँ कुछ तो कर रही हो, ये देखो क्या कर रही हो ये, क्या जोर से बोलो ना। आप सबके जो सब फैन, हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। मोमो को सबको इतना पसंद करते हैं सब बहन भाई, वो कहते हैं मोमो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो मोमो ज़ोर से बोला करो ना। मोमो जी अंडे के साथ अंडा पराठा खा रही है मोमना, ऐसे ही है। ये देखिए जी मोमो के लिए मज़ेदार सा पराठा, वाओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और इधर बैठी है जी दुआ जी, कमरे में सारा धुआं ही धुआं हो गया क्योंकि चूल्हा हमने अंदर रखा था, बारिश की वजह से अब सर्दियाँ भी हो गई हैं हल्की हल्की सी, तो कमरे में ऐसे धुआं धुआं सा हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम जी दुआ जी। दुआ जी क्या खा रही है? अंडा पराठा। तो इतना वो उदास होके क्यों कह रही हो अंडा पराठा? हाँ कहाँ जी दुआ जी के सर में और कान में पेन हो रहा है, ऐसे ही है। दुआ जी और मोमना को बना के दिए जी अंडे। और तुम आ करके रखती था? कोई बात नहीं, तुम आ करके रखता। देखे जी शवा कैसे लड़ते हैं, ये देखे। चलते हैं जी बाहर, कमरे में सारा धुआं ही धुआं हो गया है, तो चलते हैं जी किचन में क्योंकि चूल्हा अंदर रखा हुआ था, पराठे बनाए ना। चले खैर है, जब पेंट वगैरह करवाएंगे तो सब ठीक। घर वैसे भी पेंट होने वाला है तो मैंने कहा क्यों ना अभी कर। ये देखिए जी कौवे बैठे हैं। अब मैंने चिड़िया और चिड़िया को ना, ये मैंने के लिए मैंने बर्तन रखा, ये परात रखी है मैंने, मेरे घर की परात थी ये जिसमें मैं आटा गूंथती थी, तो मैंने ये यहाँ पर रख दी इन चिड़ियों के लिए। इसमें इन्हें खाना वाना डालती हूँ, पानी रखा इनके लिए। ठीक हो गए। ये देखिए जी चिड़ियाँ कौवे कितने ज़्यादा आते हैं अब खाना खाने के लिए, इन्हें पानी भी रखा इधर मैंने। और ये देखिए जी खूबसूरत से कबूतर, वाह। अब हल्की हल्की सी ना सर्दी फील होने लग गई, मौसम काफ़ी चेंज हो गया। और इश्फाक जी इधर घर पे बैठे थे इश्फाक, तो अभी क्या कर रहे हैं इश्फाक? और ये इश्फाक आए थे जी अभी घर पर फिर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं आया था घर खाना खाने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ काम से, तो सुना सब खैरियत है, सब बहन भाई ठीक है, दुआओं में याद रखे।
जी हाँ, हमारे चैनल को जल्दी जल्दी क्या करें, अच्छा इशफाक की करना चाहिए था सारे चैनल नू खड़े होके गल करो ना, जल्दी सारे तावन करना चाहिए था पहना पहना सारे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाना चाहिए था, हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए था, पैरा च पई है ना जड़े भजे जा रहे हो कितने खड़े नहीं हो रहे एक जगह, इशफाक जी एक जगह खड़े ही नहीं होते कहीं, पैसे जैसे पाँव में ना पहिया लगे हुए हैं इशफाक के और जी इशफाक जा रहे हैं कहीं बाहर काम से, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, इशफाक सक जा रहे हैं बाहर, चले जी इशफाक चले गए और अब मैं बनाती हूँ जी अपने लिए खाना, बच्चों ने भी खा लिया इशफाक ने भी खा लिया, अब बनाने लगी हूँ जी मैं अपने लिए खाना, मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना सब बहन भाई ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।